रामपुर में हुए बवाल में पुलिस द्वारा पकड़े गए 19 लोगों को छोड़ा गया। डीएम ने दी मीडिया से वार्ता कर जानकारी। उलेमाओं को कल डीएम रामपुर से मुलाकात कर बेगुनाहों को छोड़ने की थी अपील। पुलिस प्रशासन पर बेगुनाहों पर गलत कार्रवाई करने पर लगाए गए थे आरोप। इसी सिलसिले में बात की है, किसी के साथ ना इंसाफी ना हो, बेजा पकड़ धकड़ ना हो और जो तमाम रातों को लोगों में दहशत का माहौल है उसे ख़त्म किया जाए और बेवजह किसी को ना पकड़ा जाए। बहरहाल इसीलिए ये है कि इंसाफ रहे, ना इंसाफी ना हो, ताकि उसका एक अच्छा मैसेज जाए। जिस तरह से मालूम ये हुआ है कुछ बेगुनाह लोगों को पकड़ा जा रहा है तो वो मुनासिब नहीं है, उसकी पूरी तहकीक करें, पूरा हर एतबार से वो करें, उसके बाद कोई अगली कार्रवाई करें। तो बहरहाल यकीन दहानी तो कराई है उन्होंने कि इस तरह की हम कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे और अगर कोई बात हो तो हमसे रब्ता कायम करें। तो कितने मुतमईन हुए आप जो है प्रशासन के आश्वासन तो करें कि अब 3 रोज में हमने सिर्फ इतनी गिरफ्तारी की है कि हमारी एहतियात की बात है, आइंदा हम और कोई बात हो तो हमें बतलाइए, यही बतलाइए, हम तैयार हैं बिल्कुल बात। लेकिन जैसा प्रशासन का तो कहना है कि तहकीकात के बाद ही कार्रवाई की जा रही है, अन्यथा कार्रवाई नहीं की जा रही। हाँ, लेकिन ये उसके लिए हम आप सब मिलकर, यहाँ की आवाम सब मिलकर इस सिलसिले में ना बेजा किसी के साथ ना इंसाफी ना हो कोशिश करेंगे कि वो यहाँ ना होने दी जाए, चाहे बार बार आना पड़े, बार बार ही अपने साथ रखना। प्रशासन तो खुद कह रहा है बात को कि बिना किसी तहकीकात की कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी। लेकिन कह तो रहे हैं, लेकिन ये है कि उसे अमल हो जाए। जो लोग गिरफ्तार हैं उनके लिए जो है आप क्या चाहते हैं? उनके लिए ये है कि भाई जमीतुलमा हिंद की तरफ से जो भी कानूनी मदद हो सकती है वकला के ज़रिए या और ज़राए से, वो हम इंशाल्लाह जमीतुलमा हिंद ने हमारे जो हकीम मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब ने वो बात की वाजे कर दी, तो उस तरह से जमीतुलमा कहीं पीछे नहीं रहेगी, हर मुमकिन ताउन करेगी हर तरह से और कोई नाइंसाफ़ी जमीतुलमा नहीं होने देगी। अच्छा, इसके अलावा भी अगर नाइंसाफ़ी होती है तो आपका जो है क्या रवैया रहेगा? वो आगे की बात से बात करते हैं, उसी हिसाब से अगली बात करेंगे इंशाल्लाह। जो भी मिशन बनाए कार्रवाई करें और बाकी आप ऑर्गेनाइजेशन है 100 साल हो गए, तारीखी एतबार से भी, खिदमात के एतबार से भी, और इस मुल्क में ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। गांधी जी को महात्मा गांधी इसी ने बनाया। आज जो हालात मुल्क में पैदा हुए, इस तरह से पूरा मुल्क बेचैनी के शिकार है और लोग शदीद कर्ब और बेचैनी महसूस कर रहे हैं, उसी सिलसिले की एक खड़ी, अब रामपुर भी आना हुआ, फैज़ को गोली लगी, उनके घर गए, उनके वालदैन से मिले, उनके भाइयों से मुलाकात हुई, यहाँ इंतज़ामिया से हमने कहा है कि उनको माकूल बड़ा मुआवजा दीजिए जिससे उनका घर, उनके बच्चे, उनकी ज़िंदगी, उनके वालदैन, बच्चे तो खैर नहीं है लेकिन पूरा घर है, तो उनका ठीक है आप हमें लिख दीजिए, हम उसको आगे भेजाएंगे। इसी तरह से जो लोग गिरफ़्तार किए जा रहे हैं, उनका भी 18 लोग गिरफ़्तार किए गए हैं। हमने कहा लोगों को, एक तो 28 मुजाहरे का एहतजाज करने का ये हमारा जमहूरी हक है, ये हमें मिलना चाहिए, और अगर इतनी भी इजाज़त नहीं मिलेगी तो फिर हम लोग कैसे ज़िंदा रह सकते हैं, वो तो हमारा हक है, और आप इजाज़त दीजिए, इजाज़त के साथ जो उनके मुतालबात हैं वो रखे। उन्होंने कहा हमने इजाज़त इस मुजाहरे की यहाँ इजाज़त ही नहीं दी थी, ऐसा कह रहे हैं, हालांकि इजाज़त देनी चाहिए, ये बुनियादी हक है इस मुल्क के हर शहरी का, हमारा भी हक है। उसी हक के तहत लोगों ने एहतजाज किया, उनके गले घोटे गए, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद बदरी साहब ने अपने पूरे मुल्क में ये तय किया है कि हम किसी के साथ, जो लोग भी अंदर जा चुके हैं या जिनकी गिरफ्तारी होने वाली है, वकला की टीम खड़ी की जाएगी, की भी जा चुकी है, लोग उनके लिए मुकदमात की पैरवी कर रहे हैं, पूरी ताकत और लड़ाई के साथ इन्हें लड़ा जाएगा, एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इन हालात के बावजूद भी सुधार नहीं आया तो जमीयत उलमा पूरे मुल्क में जेल भरो तहरीक शुरू करेगी, और देवबंद में आज दूसरा दिन था, 313 आदमी गिरफ्तारी देना शुरू कर चुके हैं, आगे फिर उसी हिसाब से निज़ाम चलता रहेगा। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा कीमती वक्त आप लोग यहाँ खड़े रहे। जी, जेर भलो आंदोलन किस सिलसिले में कर रहे हैं? सीए जब तक CAA और NRC को बाकायदा वापस नहीं लिया जाता, कानूनी शक्ल जिसको पार्लियामेंट में पेश करके कानून की शक्ल दे दी गई है उसको उसी हिसाब से वापस लिया जाए। एक अजीब बात है कि मुल्क के वज़ीर आज़म कुछ बोलते हैं, मुल्क के होम मिनिस्टर कुछ बोलते हैं, और मुल्क के सदर जमहूरिया पार्लियामेंट में कुछ पेश करते हैं और इनके एजेंडे में कुछ और है। इस वजह से ऐसा लगता नहीं कि मुल्क किसी सही उस पर चल रहा है, लोग
भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, रोज़गार ख़त्म हो रहा है, महंगाई आसमान को पहुंच रही है, उस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं, लोगों के जहन को बांटने के लिए इधर उधर भटकाया जा रहा है, जिस वजह से मुल्क की हुकूमतों को, चाहे वो सूबे की हो चाहे मरकज़ की हो, वो लोगों के लिए जवान बेरोज़गार होता जा रहा है, रोज़गार की तरफ जोड़ें, महंगाई से किसी तरह से महंगाई पे कंट्रोल करें, मुल्क को बचाएं, हम सब लोग मुल्क लोग एक साथ खड़े हैं, पूरा मुल्क। मौलाना साहब, रामपुर में जो घटना हुई इसको लेकर कुछ लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं लमाओं के प्रति नाराज़ हैं, तो इस संबंध में क्या कहना है आप? देखिए, कुछ गलतफहमी होगी, उससे बात करेंगे, मिलेंगे, क्या होगी? अभी उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई, इस वजह से हम अभी उस पर कोई जवाब नहीं दे सकते। उन हजरात से मुलाकात हो उसके बाद ही कुछ बात हो सके। नहीं, लगातार खबरों में मीडिया में देख रहे होंगे, हम चल रहे हैं उनके पास ही जा रहे हैं, उनसे मिलेंगे, फिर बात करेंगे, क्या उनसे कहाँ चूक हुई है उसको देखें। कल भी और परसों भी जब ये घटना हो जाने के बाद कई सारे लोगों को जब अरेस्ट किया गया मौके से, उन्होंने कुछ लोगों के नाम बताया, उस पूछताछ के आधार पर बहुत सारे लोगों को नामजद भी किया गया, उनकी अरेस्टिंग भी की गई। उसके बाद एक दो तस्दीक करने के बाद, अगर जब ऐसे मामले आए कि एक दो लोग वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, तो हमने और पुलिस अधीक्षक दोनों लोगों ने मिलकर बैठ के इस पर बात की, और अगले दिन आप तस्दीक करेंगे कि लगभग 19 लोगों को छोड़ दिया गया था। अभी भी उस पर हम सब पे विचार कर रहे हैं। कल हमारे उलेमाओं से भी बात हुई, हमने उनको पूरा भरोसा दिलाया कि हम पूरी तरह प्रमाणित करेंगे, जो लोग उस घटनास्थल पे न तो मौजूद थे, घटनास्थल पे मौजूद होने के बावजूद अगर किसी के विरुद्ध ये साक्ष्य नहीं मिलते कि उसने हिंसा में कोई भी रोल प्ले किया है, तो उसको निश्चित रूप से हम छोड़ देंगे और FIR से उसका नाम बाहर निकाल। ठीक है।